मोहम्मद रिजवान की शानदार शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 8वें मैच में बाबर आजम एंड कंपनी ने श्रीलंका को 6 विकेट से हार का स्वाद चखाया। पाकिस्तान ने विश्व कप इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा चेज हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही कई और बड़े रिकॉर्ड्स को पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। सबसे पहला रिकॉर्ड था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका से मिले 345 रन के लक्ष्य को चेज करते हुए हैदराबाद में इतिहास रचा। वनडे विश्व कप के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रन चेज है। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 131 रन की शानदार पारी खेली। रिजवान ने दर्द में होने के बावजूद मैदान नहीं छोड़ा और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। दूसरा रिकॉर्ड यह बना कि एक मैच में पहली बार 4 शतक लगाए गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मुकाबले में एक या दो नहीं बल्कि 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 50 ओवर के विश्व कप में कभी भी किसी भी मुकाबले में 4 बैटर्स ने सेंचुरी नहीं लगाई थी। श्रीलंका की ओर से कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा ने शतक जड़ा तो पाकिस्तान की ओर से रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने शतक जड़ा। वहीं अगले रिकॉर्ड की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रन चेज था। पाकिस्तान की टीम वनडे में श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाली टीम बन गई है। इसके साथ ही एक दिवसीय क्रिकेट में यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा चेज भी है। विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ बिना कोई मैच गंवाए यह लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के इतिहास में श्रीलंका से लगातार 8 मैच जीत लिए हैं और पाकिस्तान आज तक एक बार भी वर्ल्ड कप में श्रीलंका से नहीं हारी है। वहीं अगले खबर की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। भारतीय टीम को पहले तो शुभम गिल चोटिल होने के कारण बाहर चल रहे हैं। वहीं अभी गिल का खेलना कंफर्म नहीं हुआ था कि वह किस मैच में वापसी करने वाले हैं। इसी बीच भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी चोटिल हो गए हैं। रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले नेट प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन इस दौरान वह चोटिल हो गए। बता दें कि 11 अक्टूबर को भारत बनाम अफगानिस्तान के विश्व कप का मैच खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है। इससे पहले भारत के कप्तान रोहित सभी खिलाड़ी समेत प्रैक्टिस कर रहे थे। रोहित शर्मा पिछले 45 मिनट से जब प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन तभी उन्हें कमर में चोट लग गई, उसके कारण उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ा। अगर गिल के डेंगू के कारण बाहर होने के बाद रोहित भी चोटिल हो गए तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। भारत के दोनों ओपनर का नहीं होना भारत की बैटिंग लाइनअप को कमजोर कर सकता है। सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व कप में अपना डंका बजाया था। हाल ही में एशिया कप में उनका प्रदर्शन देखने लायक था। इस समय सिराज टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाजों में से एक हैं। जब सिराज से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तब सिराज ने कहा कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद वह सगाई के साथ साथ शादी भी करने वाले हैं और जल्द ही उनकी और उनकी मंगेतर की शादी होगी। हालांकि यह अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि सिराज की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है और वह क्या करती है। इसी बीच ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद सिराज अपनी मंगेतर से शादी करने वाले हैं। क्रिकेट से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।